हेलो गाइस, आज हम आए हैं नेहरू प्लानिटेरियम और अभी कुछ चल के देखते हैं अंदर। खैर, जिन लोगों को साइंस में कुछ इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है ये जगह। देखते हैं, लेट्स सी। ये म्यूज़ियम की एंट्री है यहाँ से और अभी हम अंदर चल के देखते हैं कि क्या कहते हैं ये। हाँ गाइस, मेरे को अभी वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं है। सो हेलो गाइस, अब बाहर की तरफ आ चुके हैं हम लोग। म्यूज़ियम तो आपने देख लिया, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और म्यूज़ियम में वीडियो अलाउड नहीं है इसलिए गाइस मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। फिर भी मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस तो मैंने इसके लिए बनाई है अंदर की, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ये तो हिस्ट्री थी, इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस जो है उस जगह पे चलते हैं अभी हम। वहाँ पे गाइस एक कैप्सूल है जिसे सोयूज़ T10 है, मतलब उसे कहा जाता है सोयूज़ T10 कहा जाता है उसे। और उसमें पहले इंडियन जो अंतरिक्ष में गए थे उनका नाम है राकेश शर्मा। चलो कुछ अंदर का शॉट ले लेते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या है। इसकी एंट्रेंस है जहाँ पे ये लाइन आप देख रहे हैं, ये टिकट काउंटर की है। तो यहाँ से अभी हमें टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद अंदर। हाँ हेलो गाइस, ये है एंट्री जैसे आप लोग करते हैं और आपको ये सामने कुछ मॉडल्स नज़र आएंगे आपको। गाइस ये है वो प्रोजेक्टर जो इस थिएटर में यूज़ किया जाता है, इससे लाइव आपको अंतरिक्ष का सब कुछ दिखाया जाता है। ग्रह उपग्रह देखने में बहुत ऐसा लगता है कि जैसे आप रियलिटी में देख रहे हैं। गाइस ये चंद्रयान 2 है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है चंद्रमा पे, इसका मॉडल ये देख सकते हैं आप। ये अंतरिक्ष में ऐसा लगता है कुछ। इस शो के बाद हम अंदर चलेंगे। अंदर कहा जाता है कि एक टाइम पे आप 270 पीपल्स यहाँ बैठ कर देख सकते हैं आराम से। तो अभी हम भी चल के देखेंगे इतना बड़ा कितना स्पेस है जो 270 पीपल्स एक टाइम पे सब बैठ के देख सकते हैं। गाइस ये है एक्चुअल सोयूज़ T10 जो कजाकिस्तान में पानी में लैंड हुआ था और इसमें राकेश शर्मा जी की
ड्रेस है क्योंकि वही गए थे पहले, जो इंडिया में इंडिया के फर्स्ट मैन थे, इंडिया के पहले आदमी थे जो ऊपर, इंडिया के पहले आदमी थे जो अंतरिक्ष में गए थे, और वर्ल्ड में 138 नंबर पे उनका स्थान था। आपको मैं इनके इसके चारों साइड दिखाता हूँ। ये रशिया में बना था और जर्मन ने इसे इंडिया को गिफ्ट कर दिया था और तब से ये यहीं पे है। जब ये तारामंडल, नेहरू तारामंडल का अस्तित्व बना यहाँ पे, तब से ये स्टार्टिंग से यहीं पे रखा गया है। और ये एक्चुअल है गाइस, थोड़ी सी आग लगने की वजह से इसका थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन जल गया था। पानी में लैंड करा था कजाकिस्तान में। गाइस ये थिएटर बनाया गया है यहाँ पे, 250 लोगों की सिटिंग है यहाँ पे, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन तो है नहीं, बट स्क्रीन ये ऊपर दिखाया जाता सब कुछ। यहाँ पे पूरा फील आता है जैसे आप खुद अंतरिक्ष में हो। ऊपर है मेरी रिक्वेस्ट करने पे, अभी वो आपको व्यू दिखाएंगे। जब से आदमी ने धरती पर चलना शुरू किया, हम रात के तारों भरे आकाश को निहारते रहे हैं, उसकी सुंदरता और रहस्य को समझने की कोशिश में, उसके और अपने संबंध का पता लगाने के लिए। इस खोज को खगोल शास्त्र कहते हैं। आज हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप जैसे आधुनिक उपकरण हमें अंतरिक्ष की ऐसी झांकी दिखाते हैं जो मनुष्य के इतिहास में अभूतपूर्व है। हमारे वातावरण सघन पिंड था, ये पिंड ऊर्जा के विराट विस्फोट के साथ फट पड़ा। गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी मैंने इनसे, सर से, तो इन्होंने पूरा आपको थिएटर भी दिखाया प्लस डेमो भी दिखाया, और ये स्क्रीन है आपके ऊपर, हमारे ऊपर जो भी दिखती है, और इस पे बिल्कुल वैसा फील होता है जैसे हम खुद अंतरिक्ष में हैं। तो चलो उनसे मिलते हैं एक बारी जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे ये ओपन किया, जबकि शो बंद हो चुका है, फिर भी सर से रिक्वेस्ट की है तो दिखाया। सर थैंक यू सो मच। यह है मेन प्रोजेक्टर जिसके थ्रू अभी आपने एल्यूजन देखा था, ये बिल्कुल सेंटर में रखा गया है जिसके थ्रू सारे पूरे स्क्रीन पे इसका व्यू आता है। चलो गाइस अब बाहर की साइड चलते हैं, यहाँ से ये एग्जिट। हाय दोस्तों, मिलते हैं मैडम से आज, यहाँ के डायरेक्टर हैं। मैम ये यहाँ पे डायरेक्टर हैं, और प्लस पॉइंट बहुत ये है कि ये साइंटिस्ट हैं जिनसे आज मेरे को मिलने का मौका मिला फर्स्ट टाइम। हम यहाँ के बारे में कुछ बताइए खास। ये हिंदू तारा मंडल है और 1984 में बना था, और मैं यहाँ पे मैंने 1999 में जॉइन किया है,
होता क्या है? तारामंडल ये है कि एक ऑडिटोरियम सा रहेगा, उसमें हेमिस्फेरिकल डोम रहेगा, उस डोम के ऊपर स्टार्स का एक प्रोजेक्शन होगा, तो ऐसे लगेगा वो ऑडिटोरियम में बैठने से एक लाइट, ऐसा लगेगा जैसे रात के अंधेरे में बाहर कहीं बैठे हैं, खुले आसमान देख रहे हैं और तारे नज़र आते हैं। बेसिक यहाँ से शुरू होता है तारामंडल का, और ऐसे डोम में स्टार प्रोजेक्शन के साथ फिर हम कहानी बताते हैं लोगों को तारों के बारे में, तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम बनाते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी जैसे नई कुछ खोज हुई है या कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर टॉपिकल इंटरेस्ट होता है तो हम, और क्योंकि हम शो हमारे खुद में ही बनाते हैं, उन लोगों के शोज बनाते हैं, तो जैसे अभी चंद्रयान दो गया था, तो जिस उसके पहले हमने शो बैक टू द मून शो बनाया है, सेलिब्रेटिंग बोथ 50 इयर्स सिंस मून लैंडिंग, ऑल्सो लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2, और चंद्रयान 1 भी जब लॉन्च हुआ था तब भी हमने ऐसा शो चला, मंगलयान के समय में भी हमने किया था। तो इस तरह से टॉपिकल शोज बनाते हैं। तो एक तो ये मेन काम होता है तारामंडल में कि लोगों को जब वो आते हैं तो इस तरह के शोज दिखाने के लिए, तो एक वो हमारा मेन सेटअप होता है। इसके अलावा जिन लोगों को खास रुचि होती है एस्ट्रोनॉमी में, कई बार ये स्टूडेंट्स होते हैं या कई बार और भी मतलब किसी भी उम्र के लोग हो सकते हैं जिनको खास रुचि होती है और उनको कुछ ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मतलब समझना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो उसके अलग अलग तरीके हैं जिससे ये होता है। हमारी कई एक्टिविटीज वगैरह थे, पब्लिक स्काई वॉच करते हैं, जिनकी कोई खगोली गणना होती है, हमारे टेलीस्कोप जी मूर्ति लॉन्च में लगे रहते हैं, और कई बार हज़ारों संख्या में लोग आते हैं, कम से कम कुछ 100, 200, 300 तो छोटे छोटे इवेंट्स में भी आते हैं। तो हम दूरबीन से उनको चाहे वो चांद हो या ग्रह हो, सूरज के भी इवेंट्स हो, तो ये दिखाते हैं। और लोगों को जिसमें इस तरह की जानकारी चाहिए होती है, तो एक तो हमारे अमेच्योर एसोसिएशन भी रहता है, अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स, तो उनमें ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके बारे में बताइए आप, ये वीकेंड के बारे में। हाँ, और इसके अलावा बस स्टूडेंट्स के कई सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज। सोयुज टीटन मॉड्यूल जो है वो रशियन सेंटर, मतलब रशियन गवर्नमेंट से आया था, सुना गिफ्ट दिया था इंडिया को, क्योंकि जो पहले हमारे जो भारतवासी जो अंतरिक्ष में गए थे कॉस्मोनॉट राकेश शर्मा, तो वो रशियन इंडियन कोलैबोरेशन में मिशन था वो, और उसमें सोयुज T11 मॉड्यूल से जाके सैल्यूट 7 स्टेशन से में उन्होंने काम किया, और फिर सोयुज टीटन मॉड्यूल से वापस पृथ्वी पर आया। तो वो मॉड्यूल एज इट इज ओरिजिनल मॉड्यूल तो डोनेट किया गया। तो ये लैंड कहाँ हुआ था? तो दिस काइंड ऑफ मॉड्यूल यूजुअली वो सी में लैंड होता है। तो मॉड्यूल इसमें 3 कॉस्मोनॉट बैठे थे, अगर आप जाके वहाँ पे पास से देखेंगे 3 लोगों की बैठने की जगह है ऐसा, तो इसी मॉड्यूल में 3 लोग, और फिर सैल्यूट स्टेशन से अलग होके वो पूरा पृथ्वी की तरफ आते हैं, फिर वो समुंदर में जो समुद्र है तो वहाँ से फिर बाहर आते हैं। तो दिस इज इनफैक्ट हमारे मतलब इससे प्राइसलेस। एक्चुअली मैम वो टेलीस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप यहाँ पे 3 रखे गए हैं सुना है हमारे पास है, मतलब छोटे छोटे तो और भी हैं, बट एक 8 इंच का है और एक 14 इंच का है, जिससे थोड़े से वो ज्यादा अच्छे एपर्चर के हैं। वो आप ले गए थे? नहीं, ये मतलब दे बिलोंग टू आवर इंस्टीट्यूशन, दे हैव बीन परचेज बाय द नेशनल कॉम्पिटिटिव साइंस म्यूजियम कलर्स एट द प्लैनेट है। और हाँ, मेरा पर्सनल टेलीस्कोप भी है कुछ, दिस इज माय पर्सनल टेलीस्कोप, बट ये तो खाली 4.5 इंच एपर्चर का है, बट मेन थिंग इज दैट वी डू हैव नाउ सम गुड अमेच्योर टेलीस्कोप्स, और जब भी कोई इवेंट होता है तो इनफैक्ट वी आर टेकन आउट और 8 इंच पूरे देश में कई जगह हम लेकर गए हैं। रिसेंटली हमने एक कार्यक्रम किया था बापू खगोल मिला, शायद आपको आश्चर्य होगा ये जानते कि गांधी जी को खगोल विज्ञान में बहुत, कुछ समय तक उन्होंने बहुत उसके बारे में पढ़ा और मुझे भी लिखा कि कैसे तारों तक देख सकते हैं। तो फिर इस कॉमेमोरेशन में वी आर डूइंग दिस बापू खगोल मिला, जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ
वहाँ जाके दूरबीन ले जाके वहाँ के लोगों को आसमान में कुछ दिखाना, ये कार्यक्रम हम एक साल से कर रहे हैं। हाँ, एक साल से हम ये कर रहे हैं। तो इसमें कई बार हम ये 8 इंच हवा 14 इंच तो फिर बाहर नहीं ले जा सकते, 8 इंच टेलीस्कोप से हम कई 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 जगह उसको जाके दिखाते हैं। और यहाँ पे भी जब भी कोई खगोलीय घटना होती है तो हम ये दूरबीन लगाते हैं। और फिर जो स्टूडेंट को खास इंटरेस्ट होता है एस्ट्रोनॉमी में, वो कुछ और जानना चाहते हैं कुछ, ताकि उनको आगे चलकर उसमें वो एस्ट्रोनॉमर बनना चाहते हैं, तो किसी ना किसी तरह से मतलब जैसे लिटिल बिट ऑफ एक्सपोजर टू डेटा एंड साइंस एंड एवरीथिंग, इस तरह के वर्कशॉप बहुत होते हैं। ये वजन तो मशीन जो बताती है ऊपर का, तो उसमें क्या है ना, एक वहाँ पे एक मशीन होगा जो आपका वजन लेगा, लेने के बाद बस एक सिंपल कैलकुलेशन करना है अलग अलग प्लैनेट्स पे उनका जो मास और रेडियस उसके हिसाब से वहाँ पे क्या है, वो रिजल्ट आपको उसमें आएगा। तो दैट्स अ फन वन। यहाँ पे एग्जीबिशन सम ऑफ द थिंग्स जो हमारे एग्जीबिशन में है दे आर इन अ नीड फॉर अपग्रेड पूरा, मतलब एवरी डे बेसिस पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुछ कुछ तो पूछते रहते हैं एंड नाउ दे आर इन नीड सम ऑफ दिस एक्सपीरियंस आर इन नीड फॉर अपग्रेड। गाइस, आज मैडम से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा मौका मिला है जो किसी साइंटिस्ट से मिलने का मौका मिला है। मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अभी दिसंबर में 26 तारीख दिसंबर में एक सूर्य ग्रहण होने वाला है, और वो है वो एनुलर सोलर इक्लिप्स है जिसमें चांद सूरज के सामने आएगा तो एक रिंग ऑफ सन रह जाएगा। तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन तो करने पड़ेंगे क्योंकि सूरज को सीधे नहीं देख सकते, या तो इक्लिप्स क्लासेस हो या प्रोजेक्शन में आप पेड़ के नीचे कई बार पूरे गोल गोल सूरज के बिंब नजर आते हैं, ऐसे में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो आप सभी जो है ना इसको देखने के लिए तैयारी ले रखी गाइस, ये अपडेट है आने वाली जो आप लोग देख सकते हैं, और 26 दिसंबर को कमिंग सून है जो, और 2019 में है। और मैं तो बस आज अपनी किस्मत अच्छी मान रहा हूँ जो आज मैडम से मुलाकात हुई है, अदरवाइज मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ लेकिन किसी और वजह से, लेकिन मैं मिल नहीं पाया किसी से आज तक, लेकिन आज मैडम से मिला हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस चलते हैं आगे, गाइस अब बाहर की तरफ निकलते हैं यहाँ से, हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है, पूरी शूट कर लिया है मैंने यहाँ का, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे आज। स्पेशली थैंक टू मैडम कि उन्होंने मेरे को थिएटर में जाने दिया जबकि शो बंद हो चुका था, और फिर भी उन्होंने ओपन किया और थोड़ा सा कुछ मिनट का मुझे डेमो दिखाया। मेन आज मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं एक साइंटिस्ट से मिला हूँ। गाइस ये वो गार्डन है जिसके बारे में मैडम बता रही थी कि कुछ भी हलचल होती है अंतरिक्ष में तो टेलीस्कोप यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ से लगा के आपको लाइव ऊपर का दिखाया जाता है कि क्या हलचल हो रही है ऊपर अंतरिक्ष में। और उनके पास खुद का एक टेलीस्कोप भी है जो उन्होंने खुद बनाया वो, और मुझे दिखाया था। गाइस इस जगह रखा जाता है वो टेलीस्कोप, आप देख सकते हैं यहाँ मिडल में। इंदिरा गांधी ने बनाया था बिकॉज जवाहरलाल नेहरू को साइंस में रुचि थी, और यहाँ पर पहले कहा जाता है कि राजीव गांधी और उनके छोटे भाई संजय गांधी जब वो छोटे थे बचपन में तो यहाँ पे टेनिस खेला जाता था क्योंकि यहाँ पे पहले टेनिस कोर्ट था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने सोचा कि जवाहरलाल नेहरू जी को साइंस में इंटरेस्ट है तो क्यों ना हमें उनके नाम पे कुछ किया जाए, तो उसके बाद ये म्यूज़ियम यहाँ बनाया गया है। चलो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सुशील गोला व्लॉग्स, और
उम्मीद है आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी।